टोटल हरियाणा आप देख रहे हैं। गगर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती नदियों को स्वच्छ रखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्हें स्वच्छ रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने साफ कर दिया कि अगर एनजीटी के दिशा निर्देशों का कोई राज्य या अधिकारी पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने एनजीटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन और हरियाणा के पूर्व लोकायुक्त रहे जस्टिस प्रीतम पाल सिंह से। गग्गर नदी को स्वच्छ रखने के लिए एनजीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आज बैठक बुलाई है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं एनजीटी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल सिंह, इनसे जानते हैं। देखिए गाबा साहब, हमारा ये आज चार स्टेटों की मीटिंग हमें बुलाई है इस सिलसिले में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़। तो उसमें हमें मेन डिस्कशन ये था कि आप जो ये घग्गर नदी है इसके कैचमेंट एरिए में या दूर दराज से जैसे मारकंडा, टांगरी, सरस्वती और भी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन्स हैं जो इसमें ज्वाइन करती हैं, कि उनमें कोई गंदा पानी ना आए। जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जैसे परमाणु में, कालेआम में, आगे पात्रड़ा में, सरदूलगढ़ में, पंजाब, इस एरिया में जितने भी फैक्ट्रीज हैं चंडीगढ़ में, डेराबसी में, कि उनका जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज है, जो गंदा पानी है, कि वो ट्रीटमेंट करके तब उसको आए, उसको चेक करना, उसके सैंपल लेना। और इसके अलावा जो एसटीपी, जो सीवरेज सिस्टम का जो पानी है म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से या कॉरपोरेशन की तरफ से, उसमें वो ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू होके वो साफ होके वो पानी उसमें आए, ताकि जीव जंतु और वहाँ के जो आसपास के लोग उस एरिया में, कैचमेंट एरिया में रहते हैं। हमें रिपोर्ट ये मिली थी एनजीटी को कि इसके आसपास जो ग्राउंड वाटर है पीने का, कि वो भी गंदा है और उससे कई बीमारियां और कैंसर और लंग्स की प्रॉब्लम्स लोगों को हुई हैं। तो हम उस सारे पॉइंट्स को लेकर आज सारा डिस्कशन हुआ। चारों गवर्नमेंट के नॉमिनीस यहाँ पर आए थे, पॉल्यूशन बोर्ड के ऑफिसर्स थे, तो सब ने ये को हिदायत दी गई कि किस तरह से इस काम को हमने सिरे चढ़ाना है, इसको पूरा करने के लिए 31 दिसंबर तक अपनी एक्शन प्लान तैयार करके हमें दें। सर, आपने आज चार स्टेट की बैठक ली है, इसमें आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? दिशा निर्देश सबसे बड़ी पहला तो यही है कि आप एक्शन प्लान तैयार करो इसकी, कि हमने कहाँ कहाँ पर कमियां हैं और क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर करना है, किस तरह से इस पानी को स्वच्छ करने के लिए जहाँ पर प्लांट नहीं है ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं, उनके सैंपल लेके देखें पानी कितना गंदा है, उसमें बीओडी जो ये जीव जंतु जो उसको पानी के एनिमल्स उसका पानी पीते हैं उनके लिए वो फिट भी है या नहीं है। तो इस सारे जो इसके हमारे स्टेट लेवल की जो कमेटीज हैं उसमें चीफ सेक्रेटरी, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी और लोकल बॉडीज के सेक्रेटरी और अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी, उनके नॉमिनीस भी यहाँ थे, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी भी खुद थे, कि वो सारे मिलके पॉल्यूशन बोर्ड जो हर स्टेट का है उससे आपस में कोऑर्डिनेट करके एक प्लान, एक रूपरेखा ऐसी बनाएं कि जी हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये 15 दिन में ये करेंगे, टाइम फर्म टाइम लाइन्स उसके लिए बना के हमें तैयार करें कि ये कब तक इस जो सीवरेज सिस्टम का है इसको कब तक ठीक कर देंगे आप, और जो इंडस्ट्रीज का, जो सारी इंडस्ट्रीज को चेकअप करिए कहीं कोई गंदा पानी तो नहीं छोड़ता उसमें, ट्रीटमेंट प्लांट उसके हैं या नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम बनाइए उनका। तो वो सारी गाइडलाइंस उनको दी हैं और वो 31 दिसंबर तक वो अपनी जो है हमें सबमिट करेंगे, फिर हम उसको मॉनिटरिंग करेंगे उसकी, कि वो जो उन्होंने फर्म टाइम लाइन उनके लिए निश्चित की है काम करने की, कि उस काम उस दौरान में होता है नहीं, उसकी जो वो सारी रिपोर्ट, सारी वर्किंग, और उसको हमने वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास रिपोर्ट करके भेज देंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पीछे भी कई स्टेटों के ऊपर करोड़ों रुपए फाइन इम्पोज किया है, वो बड़ी सख्त है इस बारे में। सर, जिस तरह आपने आज निर्देश दिए हैं एनजीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, अगर अधिकारी इनकी पालना नहीं करते तो एनजीटी क्या कार्रवाई कर सकता है? उसमें यह है कि अगर इसके नॉन कंप्लायंस होती है, जो भी हमने क्वेश्चनरी तैयार की है, आज 9 क्वेश्चनरी
उसमें लिख के दिया है नोडल अफसर्स को कि आप अगर कहीं काम नहीं होता, कहीं कोई कमी रह जाती है, तो वो हमें उस अफसर का नाम और उस अथॉरिटी का नाम बताएं जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जिसने अपनी ड्यूटी पूरी ठीक से नहीं निभाई, जिसके कारण वो कोई कमी रह जाती है इस काम में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें और उसको करके हमें उसका वो अथॉरिटी का उसका नाम भेजें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम भेजें, क्योंकि हमारे जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है उसके अंदर ये लिखा है कि इन केस कि अगर कोई उसमें अपनी ड्यूटी नहीं करता, इफ एनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज फाउंड टू बी नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, तो ही कैन बी हेल्ड लाइबल एंड ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड ऑल्सो, उस पर मुकदमा भी चल सकता है, उसके ऊपर कंपनसेशन भी इम्पोज, फाइन भी, पेनल्टी भी डाली जा सकती है। सर, आप हरियाणा के लोकायुक्त रहे हैं, आपने कई बड़े बड़े फैसले किए हैं, तो अब क्या स्थिति है, सरकार जो है आपके फैसलों को इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया, और पहली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मैंने 5 साल एज लोकायुक्त रहा हूं और हर साल मैं अपनी रिपोर्ट गवर्नर को भेजता था और गवर्नर वो मेरी रिपोर्ट जो है वो असेंबली में रखते थे कि ये लोकायुक्त की ये सुजेशन आई हैं, रिकमेंडेशन आई हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये है 5 साल का कि पहली गवर्नमेंट थी चाहे अब की गवर्नमेंट है, और उसमें एक्ट में भी ये लिखा है कि लोकायुक्त जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इंक्वायरी करके जिसके खिलाफ जो कुछ बनता है वो अपना एक्शन रिकमेंड करेंगे और उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी और वो उसको 3 महीने में वापस बताएगी कि क्या एक्शन हमने लिया है। तो ऐसे ही मैंने कोई कई MLA मिनिस्टरों के, IAS IPS अफसरों के खिलाफ रिपोर्टें भेजी हैं, तो और उसमें जो करप्शन चार्जेस थे प्राइमा फिशाई वो बनते थे, और सो मच सो के वो टू माय माइंड के वो स्टेट वे उसमें केस दर्ज होने चाहिए थे। तो पिछली गवर्नमेंट भी केप्ट ऑन सिटिंग और माय रिकमेंडेशन बैठे रहे वो, और वो गवर्नमेंट ही चली गई पर वो एक्शन नहीं हुआ। एंड सेम इज द पोजिशन कि वो मेरी रिपोर्टें ऐसे खत्म नहीं होंगी वो, क्योंकि जिन्होंने इनिशिएट किया था वो भी पीछे लगे हुए हैं जिनके, तो उसमें अब वो हाई कोर्ट में चले गए लोग कि जी पिछली गवर्नमेंट ने भी एक्शन नहीं लिया, ये गवर्नमेंट भी एक्शन नहीं ले रही है, ये 4.5 साल तो निकल गए। तो वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट चले गए मेरी रिपोर्ट को लेके, और जो मेरे नोटिस में है कि हाई कोर्ट ने उसमें बड़े सख्त ऑर्डर किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं अल्टीमेटली वो दे विल बी इम्प्लीमेंटेड और उसमें एक्शन होगा, उसमें कोई बच नहीं पाएगा, ऐसा मैंने अपने रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन है मेरी। और एक केस ऐसा भी था कि जिसमें जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, प्रमोटर्स थे और ये ऑफिसर्स थे, उनकी इन कनाइमेंस टू ईच अदर के एक वैट का जो वैट टैक्स, उसका बड़ा बड़ा एक वैट स्कैम बहुत बड़ा हुआ हरियाणा में, टैक्स इवेजन, टैक्स से बचने के, और वो गवर्नमेंट का कोई उन्होंने कई 100 करोड़ का, 10,618 करोड़, एग्जैक्ट मैं फिगर देना चाहता हूं कि 10,618 करोड़ रुपए का उसमें टैक्स इवेजन था, और वो मैंने उनको उसमें 1,000 पेज की रिपोर्ट वो जो कि मैंने इंक्वायरी उसकी कराई थी, बड़े आला अफसर से, बड़े ऑनेस्ट और अपराइट अफसर थे वो हरियाणा के पुलिस अफसर, उनसे भी कराई और उसके साथ कई एक्सपर्टीज भी एसोसिएटेड किए हुए थे। तो उससे वो 10,618 करोड़ का अभी मेरे नोटिस में आया कि शायद उसमें कुछ लोग वो गवर्नमेंट ने थोड़ा एक्शन इनिशिएट किया है, कुछ FIR भी दर्ज हुई है शायद, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा
क्योंकि मैं पिछले मोर देन 2 ईयर्स बात हो गई है, लेकिन वो मामला भी हाई कोर्ट में है और उसके ऊपर एक्शन हो रहा है अब ऑन द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये कई इंपॉर्टेंट मैटर्स आए, लेकिन हमने बड़ा उसको विद गॉड ग्रेस परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के अपना काम पूरा करके आए हैं 5 साल। धन्यवाद जी। ये थे मेरे साथ जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। इन्होंने कहा है कि आज एनजीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने गग्गर को स्वच्छ रखने के लिए बैठक ली है, इसमें कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई अधिकारी एनजीटी के दिशा निर्देश की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इन्होंने ये भी बताया है कि लोकायुक्त रहते हुए उन्होंने ज्यादातर केसों में सिफारिश की थी, जिस पर ना तो पिछली सरकार ने और ना ही वर्तमान सरकार ने कार्रवाई की है और लोगों को अदालत तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।